सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड भाई ये जो वीडियो है वो गेम ऑफ थ्रोन सीरीज के हिंदी डब के अपडेट के ऊपर होने वाला है। एंड इससे पहले भी हम लोगों ने इस सीरीज के हिंदी डब के बारे में बात करी है, तो आप लोगों ने अगर वो पिछला वीडियो देखा है देन उसी के आगे कुछ अपडेट्स पता चले हैं जिसको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। एंड आप लोगों के लिए खबर काफी अच्छी सामने निकल कर आई है, तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखना। एंड अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे देन वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो देखो भाई, आप सभी को बताया कि गेम ऑफ थ्रोन्स लाइक जिस सीरीज से ही ये कल्चर स्टार्ट हुआ कि लोगों को लार्जर देन लाइफ शोज भी लाइक प्रेजेंट किए जा सकते हैं। एक ऐसा शो जिसके अंदर आप लोगों को भाई बजट की कोई भी कमी देखने को नहीं मिली थी, हर एक तरीके से आप लोगों को एक फैंटास्टिक शो उस टाइम पर प्रेजेंट करा गया था। इनफैक्ट जो आप लोगों को इस सीरीज के अंदर ग्राफिक्स देखने को मिले थे वो भाई हॉलीवुड की मूवीज से भी तगड़े थे। एंड भाई इसी वजह से इस शो की जो डिमांड है वो इंडिया के अंदर भी काफी ज्यादा थी। काफी सारी ऑडियंस ने तो इंग्लिश के लैंग्वेज में इस शो को देख लिया था, लेकिन बहुत सारी ऑडियंस वेट कर रही थी कि अगर इसका ऑफिशियल हिंदी डब आ जाता है तब वो लोग इस शो को देखेंगे। एंड कहीं ना कहीं पता था कि ये शो हिंदी डब में आना है, क्योंकि एक बार कोशिश करी गई थी इसको हिंदी डब करने की, उस टाइम वो चीज अनसक्सेसफुल हो गई थी। बट बिकॉज ऑफ अभी करंटली आप लोग को पता है कि जियो की डील हो चुकी है वार्नर ब्रोस डिस्कवरी के साथ, जिसकी वजह से अब आप लोग को लाइक गेम ऑफ थ्रोन्स, हाउस ऑफ ड्रैगन जितने भी बड़े बड़े एचबीओ के कंटेंट हैं वो जियो के प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलते हैं। एंड अगर आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो को देखा है तो उधर मैंने आप लोग को बता दिया था कि भाई गेम ऑफ थ्रोन्स सीरीज को ग्रीन लाइट मिल चुकी है जियो सिनेमा की तरफ से हिंदी डब को लेकर। एंड अगर आप बात करें उसके आगे के अपडेट्स की, तो अभी करंटली बताया जा रहा है कि जो स्क्रिप्टिंग होगी वो आप लोग को स्टार्टिंग से ही देखने को मिलेगी। तो मतलब कि जो इसके पहले स्टार्टिंग के सीजन को ऑफिशियली डब करा गया था उनको फिर से डब करा जाएगा, तो आप लोग को जो पिछली डबिंग है वो इस बार सुनने को नहीं मिलेगी। पूरा सीजन ही आप लोग को एक नई डबिंग से देखने को मिलेगा, तो में भी आप लोग को थोड़े बहुत जो डायलॉग्स हैं उनके अंदर चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। टोटल इस सीरीज के 8 सीजन हैं, जिसके अंदर आप लोग को 73 एपिसोड्स देखने को मिलते हैं। एंड अभी जितना इन्फॉर्मेशन हमको मिला है उस अकॉर्डिंग आप लोग को स्टार्टिंग के 3 सीजन पहले हिंदी डब के अंदर प्रेजेंट करे जाएंगे। देन उसके बाद आप लोग को भाई कुछ टाइम गैप के बाद इसके बाकी के सीजन भी हिंदी लैंग्वेज में देखने को मिलेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि आप लोगों को शायद थोड़े से लाइक बिट्स एंड पीसेस में इसके सीजन हिंदी में देखने को मिले, क्योंकि काफी लंबा शो है एंड इसको डब करने में अभी टाइम लगेगा। तो बताया जा रहा है कि जो आप लोग को इसका पहला इंस्टॉलमेंट है, मतलब कि पहले जो स्टार्टिंग के 3 सीजन है, वो सितंबर से अक्टूबर के बीच में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ रूमर्स ऐसे भी आ रहे हैं कि शायद आप लोग को जो इसके एपिसोड्स हैं वो डेली बेसिस पर देखने को मिले, तो शायद इसका प्रीमियर लंबा चले जियो सिनेमा के ऊपर। वहीं कुछ अपडेट्स ऐसा भी बोल रहे हैं कि जो इसके 3 सीजन हिंदी में रिलीज करे जाएंगे वो शायद आप लोग को वीकली बेसिस पर देखने को मिले, मतलब कि हर एक वीक में आप लोग को एक सीजन देखने को मिले। तो इन दोनों में से एक क्राइटेरिया आप लोग को देखने को मिल सकता है। बट फैंस लोग के लिए यहाँ पे अच्छी खबर यह है कि भाई अपडेट्स अगर करेक्ट होती हैं देन आप लोग को इसी साल के लास्ट क्वार्टर में ही इसका जो हिंदी डब वाला वर्जन है वो जियो सिनेमा के ऊपर स्ट्रीम होता हुआ देखने को मिल जाएगा। अब देखो बताया जा रहा है कि इस सीरीज से पहले आप लोग को एचबीओ के कुछ बड़े शोज पहले ही हिंदी में देखने को मिल जाएंगे, जिसके अंदर भाई हाउस ऑफ ड्रैगन का भी नाम सामने निकल कर आया है। हाउस ऑफ ड्रैगन के हिंदी डब के ऊपर हम लोग आगे बात करेंगे, बिकॉज उसके ऊपर कुछ ऐसी ऐसी अपडेट्स हैं जिनको अगर इधर बताया तो ये वीडियो बहुत लंबा खिंच जाएगा। अभी अगर हम लोग सिर्फ गेम ऑफ थ्रोन्स की बात करें तो देखो इसकी जो हिंदी डबिंग आप लोग को सुनने को मिलेगी उसके अंदर कॉम्प्रोमाइज नहीं करा जाएगा। अभी करंटली जितना हमको पता चला है उसके अकॉर्डिंग आप लोग को डबिंग इसकी तगड़ी देखने को मिलने वाली है। प्लस इसी के साथ ही कुछ क्वेरीज हमको आ रही थी कि क्या इसके भाई कुछ सीन्स को सेंसर करा जाएगा इंडियन लाइक ऑडियंस के हिसाब से, तो देखो ऐसा कुछ भी अभी तक हमको तो पता नहीं चला है। एंड मेरे को तो नहीं लगता है कि भाई जियो सिनेमा किसी भी चीज को सेंसर करने वाला है। जैसे शो आप लोग को इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिला था वैसे ही शो आप लोग को इधर हिंदी में देखने को मिलेगा। बाकी इसके ऊपर मैं अभी और अपडेट कलेक्ट करने की कोशिश करूंगा, जो चीजें हमको पता चलेंगी मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। तो देखते हैं भाई आगे इसके ऊपर और क्या क्या नई चीजें पता चलती हैं, क्योंकि लग रहा है कि जियो सिनेमा कुछ बड़ा प्लान कर रहा है एंड आप लोग को एक साथ एचबीओ के मल्टीपल शोज हिंदी में वो लाइक डब करके प्रेजेंट करेगा। तो वेट करेंगे, बिकॉज इसके ऊपर जैसे मेरे को और भी चीजें पता चलते रहेंगे मैं आप लोग को टाइमली बेसिस पर अपडेट करता रहूंगा। आप लोग बताना आप लोग भाई इस शो को हिंदी में देखने के लिए कितना ज्यादा एक्साइटेड हो, बिकॉज जिस दिन इसका भाई पहला सीजन हिंदी में स्ट्रीम होगा मैं फिर से इस शो को देखूंगा एंड इसका रिव्यू भी करूंगा। तो आप लोग बताना क्या इसका जब हिंदी डब रिलीज करा जाएगा तो आप लोग फिर से इस शो को देखोगे। जो भी आप लोग के थॉट्स हैं उसको आप लोग डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना। एंड और कौन कौन से शोज हैं जिनके आप लोग को हिंदी डब में अपडेट चाहिए उसको भी आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, मैं अगले वीडियो में उनको भी बताने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए अभी करंटली इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है देन वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं मिलता हूं आप लोग से अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय, पीस ऑफ।